भाई क्या हाल चाल है। होपफुली सब बढ़िया होगा। देखो फाइनली काफी दिनों के बाद यहाँ पे जो है वो अपन एक ऐसा गेम प्ले लेके आए जिसमें कि यार यहाँ पे अपन किसी हैकर को भरेंगे। खैर आज के वाले वीडियो में जो हैकर होने वाला है वो कोई ऐसा वैसा हैकर नहीं होगा। वो होगा यहाँ पे भाई लीडर बोर्ड की फिनिशिंग रैंकिंग में जो नंबर वन पे बैठा है ना वो हैकर रहता है अपने मैच में। एंड भाई साहब जो ही गंदे वाले उसको मौत देंगे ना, आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा नूब है भाई, ये हैकर है यहाँ पे लीडर बोर्ड के नंबर वन पे। अब ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोल के मैं स्पॉइल नहीं करूँगा चीज़ें आपके लिए, बस आप यहाँ पे गेम प्ले एंड तक देखो एंड पता चल जाएगा आप लोग कि हैकर को जो है वो अपन किस तरह से भरेंगे। गेम प्ले की शुरुआत तो यार यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे जो ड्रैगन बॉल विलेज था ना वो प्लेन पाथ से थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ पे जो मेरे को व्हीकल लेके आना पड़ता है। लेकिन आने के साथ यार यहाँ पे जो है वो अपने को दो किल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है क्योंकि और भी बंदे जो है वो यहाँ पे व्हीकल लेके भाई यहाँ पे आने वाले। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो मैं लूट करने के लिए पीछे साइड क्या जाता हूँ, सामने की साइड दो बंदों की फाइट हो जाती है। एंड जैसे मैं आके देखता हूँ कि दोनों के दोनों बंदे जो है वो मेरे ही एंगल से फाइट कर रहे हैं, दोनों के दोनों बंदों को जो है वो एक एक करके भर देते हैं। उसके बाद ना अब देखो यहाँ पे एक फनी चीज होती है कि यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड आता ना मेरे को एक बग्घी का साउंड आता है एंड मेरे सामने भी एक बग्घी खड़ी थी, तो मैं समझ गया कि बंदा जो है यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा है। सो यहाँ पे मैं जो है ना बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी वाली बग्घी उठाता हूँ एंड ये बंदे का पीछा करते करते ना वहां से यासना तक पहुंच जाता हूं। एंड जैसे ये वाले बंदे के पास ना यहाँ पे कोई भी रिकॉल नहीं था, इस वजह से जो है वो बंदा यहाँ पे भाग रहा था। एंड अब यहाँ पे भी बंदा जो है वो रुक के ना थोड़ा और पीछे की साइड चले जाता है एंड कहाँ पे था ना ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था। सो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ब्लाइंडली रश करने तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब वो वाले बंदे को यहाँ पे मैं ढूंढ ही रहा था कि उतने में पीछे की साइड से जो है ना मेरे को एक बग्घी का साउंड आता है। सो वो बंदे को छोड़ के ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस बंदे को बताऊँ एंड उसके बाद तो भाई मैंने यहाँ पे सोचा कि छोड़ो यार ये बंदे का पीछा तो अब करने का कुछ मतलब है नहीं क्योंकि बंदा जो है वो ऑलरेडी बच रहा है। एंड इसके ऊपर रश करूंगा, ये पता नहीं कैसा कैम करके बैठा होगा, अगर मार दिए तो यार खाली फोकट की अच्छी खासी जो है वो अपने हाथों से लूट चली जाएगी। इस वजह से ये बंदे को इग्नोर मारते हैं एंड अब यहाँ से जो है मैं फिर आगे कुछ ज़्यादा खास फाइट्स लेता हूँ नहीं। हाँ एक कैंपर मिला था जिसके ऊपर यहाँ पे मैं रश करने गया था शायद से एंड वहाँ पे मैं मारा चाहता हूँ, तो मेरे हाथ से जो है वो अच्छी खासी लूट, जैसे कि मैंने बोला जिस चीज़ का डर था वही होता है, वो अच्छी खासी लूट जो है वो चली जाती है। बट कोई नहीं, अभी के लिए यार यहाँ पे भाई अपने को जो है वो जोन का सेंटर मिल गया था एंड डिसेंट सी लूट थी अपने पास। सो यहाँ पे जो है अपन गेम अभी भी भाई अच्छा खासा खींच सकते हैं। पिछले जोन का तो यहाँ पे अपने को सेंटर मिल गया था, लेकिन जैसे नेक्स्ट जोन बनता है यहाँ पे अपन जो है वो जोन का सेंटर से सीधा जोन के एज पे आ जाते हैं। एंड हाँ इसी बीच यहाँ पे जो एक बंदा मेरे पे क्लोज मिरी करने आ जाता है। अब भाई मेरे पास ज़्यादा गोलियाँ थी नहीं, इस वजह से जो है मैं भाई गोलियाँ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा था। एंड अब अगर यार यहाँ पे जो है भाई गेम अगर मेरे को सर्वाइव करना है क्योंकि नेक्स्ट जोन जो था वाइल्ड से शिफ्ट हो चुका था, तो मेरे को कैसे भी ये बंदे को मारना था।
अब ये वाले बंदे के साथ अच्छी खासी लंबी फाइट करने के बाद मेरे को तो लग रहा था कि यार यहाँ पे ये वाली फाइट मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एमओ की कमी थी, लिटरली ऑलमोस्ट एमओ खत्म ही हो चुका था और मैं प्री फायर नहीं दे सकता था। सो यहाँ पे भाई मैं तो समझ गया था कि मेरी पीटी बनना यहाँ पे तय है, लेकिन उतने में यार बंदा छे हो यहाँ पे भागने का ट्राई करता है एंड इसी चीज़ का फायदा उठा के अपन बंदे को भरते। अब वैसे तो और कुछ गलती यहाँ पे भाई मेरे से पूरे मैच में हुई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है भाई मेरे को लगा था कि जो लेफ्ट वाला बंदा है वो ज़्यादा आगे चले गया होगा, इस वजह से जो है वो पेड़ के पास पहुँच के थोड़ा जल्दी ही लेट जाता हूँ, लेकिन इसी चक्कर में भाई यहाँ पे जो है ओपन पिले जाते हैं। बट कोई नहीं, बढ़ेंगे यार यहाँ पे आज के वाले सेकेंड एंड मेन गेम प्ले की तरफ। अब ये वाले मैच में जो है यहाँ पे ऑफकोर्स अपन विलेज पे ही उतरते हैं क्वेरी वाले, लेकिन यहाँ पे उतरने के साथ ही जो है वो अपने को डीबीएस मिल गई थी एंड मेरे ऊपर की साइड जो है ना वो एकदम खतरनाक वाली फाइट चल रही थी, लेकिन डीबीएस होने के बावजूद भी यार यहाँ पे मैं जो है वो और कॉन्फिडेंस में नहीं जाता, यहाँ पे वेट करता हूँ एकदम सही टाइम का एंड जब मेरे को लाइक है अब यहाँ पे मैं पुश करके बंदे को मार सकता हूँ तब जाके मैं यहाँ पे पुश करके बंदे को मारता हूँ। लेकिन उसको मारने के तुरंत ही बाद यहाँ पे जो है वो एक और बंदे का भाई मेरे ऊपर उड़ते उड़ते पुश आता है, लेकिन साइड से एक बाइक भी निकल रही थी, पहले तो बाइक वाले बंदे को भाई यहाँ पे ईयूजी के स्प्रे से उतारता हूँ एंड उसके बाद इसको डीबीएस भरता हूँ, लेकिन उसी बीच ना यहाँ पे जो है भाई मेरे को किल फीड में ना बैक टू बैक एक ही बंदे का नाम आते हुए दिख रहा था एंड नाम कुछ जाना पहचाना ही था, मैंने कहीं पे तो देखा था तो मैं समझ गया कि भाई बंदा जो है वो हैकर है। वो बाहर जाकर पता चलता है कि लीडर बोर्ड की जो फिनिश रैंकिंग में #1 पे हैकर बैठा ना वो ये है। सो उसके बाद तो यहाँ पे क्या था रिकॉल बचा के भाई मैं जोन के बाहर निकल लेता हूँ, 4 जोन जोन के बाहर होल्ड करता हूँ एंड अभी भी यार यहाँ पे मेरे को पता था कि हैकर जो है वो सेंटर की तरफ ही कहीं पे होगा, सो यहाँ पे मैं सीधा सेंटर नहीं जाता हूँ, यहाँ पे जोन के एच टू एच खेल रहा था ये मैच में मैं एंड ऑफकोर्स जोन के अंदर घुसते यार यहाँ पे हैकर की मेरे को लोकेशन का आइडिया हो जाता है, क्योंकि मेरे सामने की साइड ही भाई हैकर जो है वो गोलियाँ चला रहा था। सो अब मैं बस वेट कर रहा था जोन बनने का एंड जैसे ही यहाँ पे जोन बनता है मैंने देखा कि जोन का सेंटर जो है वो हैकर से दूर की तरफ थोड़ा सा बना है। सो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचता, हैकर मेरे राइट साइड में, जोन लेफ्ट साइड में जा रहा है, जोन का सेंटर लेफ्ट साइड में है, सीधा का सीधा जोन के सेंटर में स्लैम मारो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा एंड ये वाला जो अपना डिसीजन था वो एकदम सही रहता है, क्योंकि हैकर जो है वो कहीं और फाइट करने में बिजी था एंड अपने को जोन का सेंटर मिल गया था एंड अब अगर अपने को जोन का सेंटर मिल गया है डीवीएस है अपने पास, मतलब अगर हैकर क्लोज इन करने आया तो फिर उसकी तो पुंगी बचनी ही है, साथ में अच्छे खासे ग्रेनेड्स भी थे अपने पास ये भी याद रखना।
भाई यार, मतलब अगर मेरे पे क्लोज इन कर देता ना तो भी मैं कैसे ना कैसे मार ही देता, लेकिन हैकर को जैसे दिखा होगा, हैक से ऑफकोर्स दिखता है कि कौन सी गन है एनिमी के पास, शायद से उसको दिख गया होगा कि मेरे पास DBS है और वो चांस नहीं लेना चाहता था तो दूर से भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ऐसे तो कैसे छोड़ते, इजीली हैकर को भी यहाँ पे अपन भर देते, बाकी तो लास्ट वाला बंदा था उसको भी ऑफकोर्स नेट से भर देते एंड ये वाले मैच में अपने को डिसेंट सा प्लस मिल जाता है। बाकी तो यार बस इधर स्किल गेम प्ले, अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से मिलोगे चैनल सब्सक्राइब तुम्हारी देना एंड एक अपने दोस्तों शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। For you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya.